हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन पे स्नैपचैट फिल्टर को ऐड कर सकते हैं। अगर आप स्नैपचैट फिल्टर को ऐड करना चाहते हो तो किस तरह ऐड कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाला। तो हमारे वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते वीडियो की स्टार्ट करते हो, आपको बताते हैं किस तरह आप स्नैपचैट फिल्टर को ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं हम अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ से चलते अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, जहाँ से हमें पता करना है कि हम कैसे अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन में फिल्टर को ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा स्नैपचैट एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको कैसे अपने फिल्टर को ऐड करना है अपने स्नैपचैट में, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरीके से जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे फिल्टर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर कैसे फिल्टर को ऐड कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे नीचे की साइड देख सकते हैं एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरीके से जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कई सारे आपको यहाँ पे फिल्टर देखने को मिलेंगे इस तरीके से। तो आपको जिस भी फिल्टर को ऐड करना चाहते हैं अपने स्नैपचैट में, आपको जैसे कि इस वाले फिल्टर को हम ऐड करना चाहते हैं अपने स्नैपचैट में, तो आपको इस सिंपल से इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन ओपन होगा, तो ऊपर की साइड देख सकते हैं आपका फिल्टर यहाँ पर देख सकते हैं। और इस फिल्टर को हम ऐड करना चाहते हैं अपने स्नैपचैट में तो कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से ऐड करने के लिए आपको इस साइड देख सकते हैं एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से जैसे क्लिक करेंगे ऊपर की साइड देख सकते हैं आपका यहाँ पे सेव हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से सेव करने के बाद आपको यहाँ से बैक आना है। अब वो आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर आपका इस ये फिल्टर सेव हुआ है आपके स्नैपचैट में, तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे वो फिल्टर यहाँ पे ऐड हो चुका है, आप देख सकते हैं फेवरेट वाले ऑप्शन में। इस तरीके से आप अपने स्नैपचैट में अपने फिल्टर को ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि इस फिल्टर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ऐड करने के बाद आपको इस फिल्टर पे क्लिक करना है। इस तरीके से जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं फिल्टर ऐड होने के बाद यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर इस तरीके से आप अपने स्नैपचैट में फिल्टर को ऐड करके यूज कर सकते हैं। तो फाइनली आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हम अपने स्नैपचैट एप्लीकेशन में फ़िल्टर को ऐड कर सकते हैं, तो फाइनली आप लोग समझ चुके होंगे। तो हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।